अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह की दुनिया। आज मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के सामने आलू कीमा। तेल ले लिया है मैंने, सिल्वर की पतीली हमेशा यूज़ करें, ठीक है। और चिकन का कीमा निकाल रही हूँ, एक बड़ा प्याज है, इससे अंदाज़ा कर लें कितना बड़ा प्याज है, दावतों वाला आलू कीमा। प्याज काटना शुरू कर रही हूँ मैं, प्याज मैं ये वाली काटूँगी, काट ली है प्याज मैं ये वाली काटूँगी ऑमलेट स्टाइल। गरम है, आधा किलो कीमा है, एक बड़ी इतनी बड़ी साइज की प्याज ली है मैं। प्याज हमारी ब्राउन हो रही है, रेडी हो गई है। मुझे ना पर्सनली प्याज जो है इसी रंग की पसंद है, ठीक है। कीमा डाल दिया हमने, कीमा हमारा ब्राउन हो रहा है, तकरीबन आधा किलो कीमा है जिसमें मैंने एक बड़ी प्याज डाली है तकरीबन, ठीक है। अदरक लहसुन दो टेबलस्पून, मैं अदरक लहसुन पीस के रखती हूँ इसलिए अलग अलग, ये आप बना रहे हैं शादियों वाला आलू कीमा। अभी जब अदरक लहसुन ज़रा भुन जाए फिर हम मसाला डालें। मैं पैकेटों का मसाला नहीं यूज़ करती, मैं घर में जो बना रही होती हूँ बस उसी की छोटी सी वीडियो बनाई और नेट पे डाल देती हूँ अपने चैनल पे। ये मैंने डाल रही हूँ क्वार्टर नमक, नमक अपने जायके के हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, कुछ लोग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले नमक, आधा चमची लाल मिर्च, आधी चमची लाल मिर्च, लाल मिर्च का आधा हल्दी, लाल मिर्च का आधा हल्दी, धनिया पाउडर ज़रूर डाला जाता है। और ये अब मैंने डाल दिया, इस वक्त डाला है मैंने धनिया पाउडर क्वार्टर का। अब मसालों को मैं जल्दी जल्दी भूनूंगी। पानी देना मुझे, पानी बोतल में होगा ना। मसाले भुन गए हैं, मसाले भुन गए हैं, अब इसमें आधा गिलास में नमक आधा गिलास पानी डाल के दम के लिए छोड़ दिया गलने के लिए। यकीन जाने जो खाना पकाते हैं उन लेस इज़ मोर। आलू मैंने काट के रखे हुए लेकिन मैं उसको तब डालूंगी जब बिल्कुल फाइनल होगा, ठीक है। ये मैं ज़ीरा बहुत शौक से खाती हूँ, मेरा पूरा घर खाता है इसलिए ज़ीरा थोड़ा मैं ज़्यादा डालती हूँ, लेकिन आप लोगों के अपने ऊपर है। ये इसको डालना है आपने क्वार्टर स्पून, यकीन करें इसको बना के देखें, तारीफ ना हो तो बोलिएगा। मसाला गल चुका है, कीमा गल चुका है, ये मैंने आलू काट के रखे हैं ये वाले, ठीक है। अब मैंने आलू डाल दिए,
कीमा देखें रेडी हो चुका है, रोगन आ गया ऊपर, लेकिन अभी भी हम इसे पकाएंगे। और अभी आपके लिए टू सरप्राइज, हाँ ये है हमारा हिट सरप्राइज, एक चम्मच अच्छा खासा दही। ये मस्ट इंग्रेडिएंट है, ना मैंने इसमें टमाटर डाला है ना कुछ, इवन काली मिर्चें भी नहीं डाली हैं। ये शादियों वाला मैं दम का कीमा आपको बता रही हूँ, ये अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। और इसे पकने देंगे। लेकर कोयले का टुकड़ा रखा है मैंने, ये जलाना बेटा, और ये मैंने जलने के लिए रखा है। कीमा हमारा रेडी हो रहा है, देखें ये आधा किलो कीमा था। हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसमें, मेरे पास तो ये मैं कार्डमम पाउडर है, ये थोड़ा सा मैंने इसको छिड़क दिया फॉर खुशबू, लौंग का पाउडर कहाँ गया, और ठीक है ये चला दिया चमचा, रोगन आ चुका है, और थोड़ा सा मैंने ये क्लोव पाउडर, ज़्यादा नहीं बस एक पिंच, या बस ये देखें इसकी दो सेटिंग्स होती हैं, एक ये हल्का सा देखें मैं छिड़कूँगी बस, क्योंकि ये लौंग का पाउडर है, खुशबू मस्त है, होता है ना बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं खुशबू नहीं आती खाने में, ठीक है। अच्छा अब मैं ये सबसे इम्पोर्टेंट बात सिखाने जा रही हूँ, सीधा फॉइल लिया, उसको आपने इस तरह से और ये इस तरह से, ठीक है, ये यहाँ से आप बंद कर देंगे, ये आपकी छोटी सी मटकी टाइप चीज़ तैयार हो गई है, ठीक है। अब इसमें आप आराम से अपना कोयला रखेंगे, वाह कोयला हमारा बड़ा है, चूल्हा स्लो कर दिया, इसका मुझे ढक्कन चाहिए होगा फौरन, तैयार है ना मजे का। थैंक यू, वीडियो 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 बनाते रहती हैं। अब ये मैं इसमें रख रही हूँ और ये इसके ऊपर रखूंगी, ठीक है, कोयला लगा नहीं है। अब मैं इसको ये मैंने दम पे दे दिया, ठीक है, चूल्हा ये बंद हो गया मेरा इस वक्त, लाइटर का है, ठीक है, ये मैंने चूल्हा स्लो कर दिया चूल्हा, ठीक है, इसको हार्डली 5 मिनट्स का मैं दम दूंगी, ठीक है। कोयला मैंने निकाल लिया है, दम लगा दिए, ये देखिए मेरा दम का शादियों वाला कीमा तैयार है, आलू कीमा जो शादियों में बहुत शौक से खाया जाता है, कुछ भी नहीं है, सिंपल इज़ मोर, बस ये याद रखिए। ओके, अच्छी लगे मेरे चैनल तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग क्या खाना चाहते हैं, क्या बनाऊँ मैं। ओके वेलकम, अल्लाह हाफिज़।